नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोग स्वागत करने, मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस आपकी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। सकता है आपकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, 17 से लेकर 23 जुलाई तक की जो वक्त है ये वक्त कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पांटकल्स के साथ। किंग ऑफ पांटकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पांटकल्स के साथ। मुझे लगता है एक्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी करंटली बहुत ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपना ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इस तरीके के सोच में है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिश्ते को नहीं सोच रहा है, रिश्ते को भी सोच रहा है। ये रिश्ते को और अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं, खास करके अपनी लाइफ को। और ये इस जो ये जैसा ये दिखावा कर रहे हैं ना कि ये अपने में व्यस्त हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है। ये आपके बारे में भी सोच रहा है, रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि ये अपने लाइफ अपनी तरीके से जी रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है, लेकिन इनमें एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के प्रेशर है। कंफ्यूजन इस बात की, एक बार ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते को जीरो से शुरू किया जाए, फिर से एक नए शुरुआत किया जाए। दूसरी बात ये सोच रहा है अगर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है या फिर इनके पास है। और एक बात ऐसा हो रहा है कि अभी ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। आपके लाइफ में और भी पर्सन है तो ये क्या करेंगे, पुरानी चीजों को याद करके वो दिल में रख के बात को रखेंगे या नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। तो इन बातों के साथ, इन चीजों के साथ दोबारा से उनको अगर धोखा मिल गया तो ये सारी जो थॉट प्रोसेस है ये उनको कंफ्यूजन में डाल रहा है। कभी इनको लगता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में तो रिश्ता है ही है, या फिर उनके अलावा आपके लाइफ में रिश्ता है,
तो फिर से तो धोखा नहीं मिल जाएगा, फिर से तो ये स्थिति नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये ओवरनाइट थिंकिंग करता है आपके लिए और अपना नींद भी हराम कर रहा है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो था रिश्ते में, लेकिन अभी ये खुद को संभाल लिया है इन्होंने और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन में है। या तो इनके पास रिश्ते हैं या तो आपके पास है, जिसकी वजह से ये पुरानी बातों को याद कर रहा है। फिर से रिश्ते जोड़ेंगे, फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर से ये मुझे धोखा देगा या धोखा देगी, फिर से वही बात शुरू होगा। ये सोच के ये पुरानी बातों को दिल से लगा के चुपचाप बैठा हुआ है और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, लेकिन रिश्ते को भी ये सोच रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन आप चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है बातों में प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप लोगों में जो है वो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट मैं नहीं कहूंगी, लो कांटेक्ट हो रहा है। तो आप हार्ड टू हार्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बहुत सारी बातें जो है आप उनसे बोल के बातों को क्लियर करना चाहते हो। देख लेते हैं एट ऑफ कप्स की कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आप चाहते हो आप लोगों की रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रहा है, आप इग्नोरेंस फील कर रहे हो। हो सकता है कभी आप इनको छोड़ के कहीं और गए थे, या फिर ये आपको छोड़ के कहीं और गया था, क्योंकि ऑप्शन इनके पास मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऑप्शन आपके पास भी था, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो आप उन चीजों से खुद को मुक्त करना चाहते हो। अगर आपने उनको छोड़ के कहीं और गए थे, वहां आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपने उनको दिया है, या फिर अभी आपके पास इनके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है, तो आप उनको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रहे हो। कोई कोई ऐसा पर्सन है जो रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कब ये बंदा या बंदी आपके लाइफ में दोबारा से वापस आ जाए, कब आप लोगों में बातें शुरू हो जाए, कब चीजें सही हो जाए। इस तरीके से आप सोच रहे हो और आप कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहे हो इन चीजों का कि चीजें सही हो जाए, एक प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाए। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि मुझे उनसे जाके मिल लेना चाहिए, आप चल के मिलने भी आना चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो इनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप इनसे बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पा रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि इनसे, इनकी तरफ से कोई बातें अगर आपके तरफ आ जाए तो आपके लिए ये सही हो जाएगा, बातें छेड़ने के लिए मतलब शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात की बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये जो रिश्ता है ये एक ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, क्योंकि 11-11 का कार्ड आया है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिश्ता जो है ये दिल से बनाया रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है, तो ये तो टूटने वाला नहीं है, इस बात का भरोसा आप करते हो। साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन भी चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल जाए, बातें क्लियर हो जाए, जो भी मेरे मन में है, जो भी उनके मन में है, वो मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहा है वो मुझे जानना है। तो आपकी करंट जो स्थिति है वो इस तरीके का है।
साथ ही साथ आप खुद को हील भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं इंसान जो खुद करता है उसके बारे में किसी को पता होना हो उसको खुद को पता होता है। तो आपके मन में ये चीज है कि आपने उनके साथ गलत किया और इस बात को आप जानते हो, तभी आप उन चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी आपको ये लगता है कि ये बंदा या बंदी मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे प्यार करता है या करती है लेकिन मुझे नहीं बोल रहा है, जो मुझे जानना चाहिए वो मुझे नहीं मतलब मैं नहीं जान पा रही हूँ या पा रहा हूँ। तो ये सारी क्वेरीज को आप क्लियर करना चाहते हो बातों के माध्यम से, बहुत सारा कम्युनिकेशन आप चाहते हो। सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो जिनका भी एनर्जी एक कार्ड कैच कर रहा है, तो इन तरीके से आप सोच रहे हो अभी करेंटली। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ सोर्स, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आप खुद देखिए। ये जिस तरीके से अपने आप को रख रहे हैं ना अभी, वो किसी भी तरीके से नो निगोशिएशन के मोड में है। बहुत तीखा या तीखी बन चुकी है। पहले अगर बहुत ज्यादा दिल से सोचता था तो अभी बहुत ज्यादा दिमाग से सोचता है। हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, समाज में रुतबा, कुछ बेकार की चीज, बेकार की बातें, बेकार की लोग अपने लाइफ में ये अभी रखना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपने अंदर हिम्मत को ग्रो कर रहा है, ये किसी हायर अथॉरिटीज को मेंटेन करता है, ये अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कर रहा है, करना चाहते हैं। बहुत सारा बर्डन है इनके सर पे, काम के बोझ, परिवार के बोझ, रिश्ते के बोझ, लेकिन ये फिर भी इंतजार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का। जैसा कि मैंने कहा कि ये कंफ्यूजन में है कि फिर से रिश्ते को शुरू करेंगे तो फिर से वही स्थिति अगर आ जाता है, पुरानी बातों को ये याद कर रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इन्होंने मुझे छोड़ के चले गए थे, या फिर आप गए थे, या फिर वो गया था, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो उन चीजों को ये याद करके परेशान तो है, चीजों को शुरू भी तो करना है। शुरू करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ, इनर पावर को ये एनहांस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी डिसीजन लेंगे वक्त के साथ, हालात के साथ उसे सही माना जाएगा, ऐसा कोई डिसीजन ये लेंगे। साथ ही साथ ये उस तरीके से, पहले जैसे तरीका ये नहीं अपनाना चाहते हैं, ये अपने अंदर एक अलग तरीके का पावर लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अभी बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना पसंद करती है या करता है। इनको लगता है कि बेकार की चीजों में उलझा हुआ रहने से अपने ग्रोथ रुक जाता है, अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत मैंने सोचा दूसरों के बारे में, अभी नहीं सोचना है, अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो ये अपने तरीके से अपने आप को, अपने लाइफ को ग्रो करने में बिजी है और बेकार की चीजों को ये दूर रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए इनके मन में इमोशन नहीं है, है,
बहुत इमोशन है लेकिन कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हो सकता है पहले आपने इनको धोखा दिया था या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया था, रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, तभी उन पुरानी चीजों को ये अभी भी दिल से लगा के रखा हुआ है इन्होंने और उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आप खुद क्या चाहते हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखो हम किसी से कम नहीं, किंग ऑफ सोर्ट्स क्वीन ऑफ सोर्ट्स टाइप ऑफ सेम एनर्जी में आप दोनों के दोनों हो। वैसे एक्वेरियस हमेशा ही दिमाग से सोचते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं एक्वेरियस, उनका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, बहुत जल्दी जल्दी ये चीजों को सामने वाले की नियत को भाप लेते हैं, समझ जाते हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यस, मैं मुझे लग ही रहा था कि इसके बाद ये आएगा तो क्या कहने, तभी ना एक्यूरेस की एक्चुअल नेचर जो है वो बाहर आएगा। द एम्परर, देख लेते हैं और क्या आता है। बार बार मुझे ये एहसास हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कार्ड भी आ रहा है कि एक्यूरियस को धोखा मिला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचुरली एक्यूरियस को धोखा देने वाला बंदा या बंदी मुझे नहीं लगता है कि होता है कोई, क्योंकि एक्यूरियस जो होता है उनका दिमाग बहुत फास्ट होता है, सामने वाले की नजर को वो पहचान जाते हैं, तो उनको धोखा देने की पता नहीं। लेकिन आप जो हो एम्परर ट्विन टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आना चाहते हो, आप अपने तरीके से रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपको अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए, जो गिले शिकवे चल रहे थे उसको खत्म करना चाहिए। दुखी आप भी हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कभी फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, कभी टू ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं, आपको लगता है किसी भी हालत में यह रिश्ता खराब नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बात इस रिश्ते में जरूर है। ये जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट ट्विन वाला रिश्ता, 11-11 का कार्ड आया है। किसी भी तरीके से ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दुखी हो, परेशान हो। हो सकता है आप कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, किसी की कहीं की हायर अथॉरिटी में आप हो, कोई अच्छा पोस्ट पोजीशन आपके पास है, हो सकता है आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आप ऐसे जगह पर हो, पोस्ट पर हो, आप चाहकर भी बहुत बुरी तरीके से जैसे गिरगिराना कहते हैं वो आप नहीं कर पाते हो। हो सकता है आपका नेचर ऐसा है कि आप जिस पोस्ट पर हो, जिस पोजीशन पर हो, आप उतना भी किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ या तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, इतना बोल आप नहीं पाते हो। तभी आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। टू ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, आपको सोलमेट वाला कनेक्शन नजर आता है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन नजर आता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, इसकी वजह से आप दर्द में हो। आप अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते हो, लेकिन आप चाहोगे कि ये परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में नया शुरुआत हो, एक जो पेनफुल सर्कल चल रहा है ना रिश्ते में, बात नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो मैंने कहा कि लो कॉन्टेक्ट, दिस इज नो कॉन्टेक्ट नहीं है, ये नो कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्ट है लेकिन लो कॉन्टेक्ट, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो आप इस बात से दुखी हो, अरे बात क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं हो रहा है,
इतना अच्छा कनेक्शन है, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है ना, आप इसको खत्म करना चाहते हो और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए ऐसा आप चाहते हो, लेकिन आप इनिशिएटिव भी नहीं ले पा रहे हो। हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो एक दो बार, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए, क्योंकि आपके नेचर में वो है ही नहीं। प्यार बहुत है आप में, लेकिन वो आगे चल के जो बोलना होता है, आगे चल के जो रिक्वेस्ट करना होता है, आगे चल के जो रिश्ते की जो परेशानी है उसे खत्म करना, ये बहुत आप नहीं बोल पाओगे। कुछ आप बोलोगे क्योंकि पहले ही आप कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत देर तक बार बार आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो अगर ये हो जाता है, रिश्ते में बात शुरू हो जाता है, ये डिसीजन ले लेते हैं आप लोगों में, चीजें सही हो जाता है, तो ये आपके लिए सही होगा। आप इसी के सोच में हो और आप एक डिसीजन भी लेना चाहते हो, साथ ही साथ आप यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो कि ये जो पेनफुल जो एक सर्कल है इस रिश्ते का, ये खत्म हो जाए। कभी कभी आप अपने तरीके से डिसीजन लेना चाहते हो, क्यों ये बात नहीं करेगा, क्यों उससे बात नहीं करेगा, इतना अच्छा रिश्ता है, क्यों मेरे से दूर हो रहा है, मैंने क्या किया, अकेला मैं ही क्या उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन चीजों के सोच सोच के आप अपने तरीके से डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। द एम्परर के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन बाहर से आप बहुत सख्त दिखाई दे रहे हो। ये आपने पोस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से हो सकता है। बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, पूरा दिन आप इस आउटलुक गेटअप में रहते हो, हुकूमत चलाना, तो ऐसे लोग गिरगिराना तो नहीं जानते हैं, मतलब बहुत दर्द होता है, दिल में बहुत दर्द है, दुखी हो आप, लेकिन आप जाके रो नहीं पाओगे, किसी के सामने बोल नहीं पाओगे, वही आप करोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी एक्वेरियस, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस, कोई कैंसर, कोई टॉरस कैंसर स्कॉर्पियो, कोई टॉरस, कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे इतना बड़ा रीडिंग होता है ये रीडिंग, जो लव एंड रिलेशनशिप का जो रीडिंग होता है, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी चले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं इसमें। देख लेते हैं आउटकम क्या है। फाइव ऑफ वंड्स, कुछ ड्रामा, मेंटल कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ये होने जा रहा है। देख लेते हैं इसके परिणाम क्या आता है। फाइव ऑफ वंड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, फाइव ऑफ वंड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जब आप लोगों में बात शुरू होगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आप, आपके तरफ से कार्ड आया था, जब आप बात करोगे कुछ मेंटल कंफ्लिक्ट तैयार होगी, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा मतलब एकदम हतापाई नहीं, मतलब आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, कुछ ऐसी वाद विवाद होगी बातों में, वो भी प्यार भरी। उसके बाद एक स्टेबल लव ऑफर आपको दिया जाएगा, या तो एक्यूरियस आप दे सकते हो, या तो ये आपको दे सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई जो है, जो खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन तरीके से रखता है, कोई ना कोई ऐसा है इस रिश्ते में जिनका भी एनर्जी आ रहा है, वो हो सकता है खुद को सेलिब्रिटी की तरह रखता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है छोटे मोटे, जैसे कोई सोशल मीडिया से लिंक किया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, ड्रामा वगैरह करता है, कोई छोटी मोटी
कुछ एक्टिंग वगैरह भी करता रहता है, इस तरीके का कोई पर्सन है जो हमेशा खुद को हाइलाइटेड रखना पसंद करता है। वैसे अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, तो लियो एरीज लियो सजिटेरियस जो के साथ अगर आप डील कर रहे हो, खास करके अगर लियो है आपके बंदा या बंदी, तो ये हमेशा खुद को हाइलाइटेड रखना चाहते हैं, तो आपको मनाया जाएगा। दोनों में से अगर एक्वेरियस आप हो, तो कुछ बात विवाद के बाद स्टेबल लव ऑफर के साथ आप लोगों की रिश्ता डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एक स्टेबल रिश्ता बनेगा आप लोगों में, एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत सारा कम्युनिकेशन शेयर करोगे, बहुत सारी बातें जो अनकही थी, जो नहीं कहा जा रहा था, जो चीजें बोलना था नहीं बोल पा रहे थे, जो भी प्रॉब्लम था वो सारी बातें क्लियर होगी, और दोनों के दोनों रिश्ते के लिए भी मेहनत करोगे, अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करोगे। बहुत स्टेबल एक लव ऑफर आपको मिलेगा, आप दोनों में एक बहुत सारी प्यारी कम्युनिकेशन मिलेगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। स्टेबल ऑफर या तो एक्यूरियस आप आपके पर्सन को दोगे, या आपके पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देंगे, लेकिन थोड़ी सी कंफ्लिक्शन होगी। वो होता है प्यार में, जो जिसे बोलते हैं प्यार में टकरार जो होते हैं, तो वो होगा और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। इट्स अप टू यू, आस्क योर एंजल। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को किस तरीके से सोचोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, तो आप अपनी एंजल की मदद ले सकते हो। एंजल की मदद आप किस तरीके से ले सकते हो? मेडिटेशन के द्वारा, सेल्फ हीलिंग के द्वारा। अपने आप से पूछिए, अपने एंजल से पूछिए कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आपको उस बात का आंसर मिल जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है। एंजल आपको सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। आप खुद मेहनती हो, जिनके साथ आपका रिश्ता है वो बंदा या बंदी भी बहुत ज्यादा मेहनती है। आप दोनों के दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने अपने तरीके से सोचने वाले बंदा या बंदी हो, कोई किस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। अब आप किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा तैयार है। और एक बात है, जो इस रिश्ते में जो भी बंदा या बंदी है, ये शादी ये वो उस तरीके से बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों वर्क ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है। ये बहुत मैच्योर लोगों की रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। तो शादी स्टेबिलिटी ये तो होगा, कुछ लोग शादी में कन्वर्ट करेंगे रिश्ते को, जो शादी के बारे में नहीं सोचते, जो प्यार के रिश्ते में है, उनका रिश्ता भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।